शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। Thank you.
उठो, मैं चाय लाती हूँ। अरे छोड़ो, मुझे बहुत से काम है। नहीं छोड़ो ना, आज जल्दी नहीं जाना तुम्हें? जल्दी तो रोज ही जाना पड़ता है, तुम रुक क्यों नहीं लेती मुझे? मैंने रोका और तुम रुके? चलो उठो, आज क्या तारीख है मालूम है? अमेरिका के अखबार ने पता चला है कि दुनिया में जितने भी मेरे जैसे कामयाब बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स हैं, उनमें से 97.5% अपनी पत्नी का हर काम मानते हैं। 97.5%? ये आधा कौन अटक गया? एक केस ऐसा भी है जिसमें औरत का कहना है कि मेरा पति मेरी एक भी नहीं सुनता, और मर्द का कहना है कि मैं मेरी बीवी का पूरा ताबेदार हूँ, इसलिए उसे आधा गिना गया। बेनिफिट ऑफ डाउट, यू नो। सब गलत है। ये टेलीफोन ना लगता है ना एंगेज्ड आता है। सुबह सुबह किसको टेलीफोन कर रही हो? आज 14 तारीख है मालूम है, 15 तारीख को सिर्फ 24 घंटे बाकी है। 14 तारीख होगी, अभी तक दामोदर का टेलीफोन नहीं आया। अच्छा, 2 महीने पहले इस दामोदर को तो पहचानते तक नहीं थे, तब तो सिर्फ स्टैंडर्ड केमिकल फैक्ट्री दिमाग में घुमा करती थी, और अब रोज सुबह जब तक दामोदर से बातें नहीं होती चैन नहीं पड़ता। जैसे वासुदेवन, दामोदर, बीसी ड्रग्स कंपनी के अलावा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। मिस्टर दिनेश प्रकाश बीसी ड्रग्स कंपनी के लिए ही इस दुनिया में पैदा हुए हैं। चाय नहीं पिलाऊंगी? मेरी भी तो बातें सुनोगे? दिनेश, गुड मॉर्निंग मिस्टर दामोदर, रात देर से सोए क्या? अरे बिजली नहीं थी तो जनरेटर लगा लिया होता। देखिए मिस्टर दामोदर, ये डीजल नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। फीडिंग बॉटल मैनेजरों के दिन अब नहीं रहे। कंपनी ने आपको इसलिए रखा है कि आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें, इसी की आपको तनख्वाह मिलती है। नहीं 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 नहीं, मैंने कहा ना, मुझे आपकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। नाइट शिफ्ट का प्रोडक्शन मैनेजर कौन था? मिश्रा जी से कहिए आज मुझसे मिलकर जाएं। और सुनिए, उन्हें फौरन एक शो कॉज नोटिस जारी कीजिए। आज दोपहर तक दोनों जनरेटर तैयार हो जाने चाहिए। नहीं नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं मिलेगा, सब इन टाइम होगा। एक मिनट, आप लाइन चालू रखिए। हाँ लिखिए। ओह ओह, आप मेरी भी सुनेंगे या नहीं? बोलते ही रहते हैं आप। हाँ कमला जी, चाय तैयार है? बस बीबी जी, अभी लाती हूँ। तैयार हो जाए तो टेबल पे लगा देना। जी। गुड मॉर्निंग वासुदेवन। गुड, किसी भी कीमत पर जनरेटर्स की पूछताछ कर लीजिएगा। नहीं, परचेसिंग की फाइल मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता सकता हूँ। दूसरे पेज पर चौथे हिस्से के लिस्ट का 12वां आइटम है, आप चेक कर लीजिए, मैं होल्ड करता हूँ। ठीक याद है ना? राइट, जाने से पहले मुझे मिल लीजिएगा। बाय। क्या सोच रही हो मना? सोच रही हूँ कल सुबह ही टेलीफोन की लाइन नहीं काटी तो मेरा नाम नहीं। अरे ऐसा नहीं करना, कल 15 तारीख है, मेरा जन्मदिन। फिर मेरे जन्मदिन के साथ साथ कल का दिन हमारी जिंदगी का एक खास दिन है। इसी दिन तो दीपा ने हमारी शादी की बात सबके सामने जाहिर की थी, और कल तुम लाइन काट दोगी। कल के काम करो, कल दीपा और अशोक को यहाँ बुला लो, बहुत दिनों से देखा नहीं, मजा आ जाएगा। दिनेश, हेलो, गुड मॉर्निंग, बोलो। हाँ मालूम है। सालगिरह मुबारक हो दिनेश। मैंने हैप्पी रिटर्न सब दी। विश यू हैप्पी बर्थडे दिनेश। विश यू हैप्पी बर्थडे। रूपात बता दूं मैं ना? चुप। सुनो सुनो, अटेंशन, आज दिनेश के सालगिरह की मुबारकबाद के साथ साथ एक और मुबारक देने का मौका भी है।
ये भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, दिनेश और मनीषा की शादी जल्दी हो रही है। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे ले यार लड्डू, तुमने बताया? अरे ले यार, अरे मुंह खोल। अरे ले यार, क्या चांस मारा तूने, कमाल कर दिया। तू भी तो कुछ बोल, चुप क्यों हो गई? मैं क्या बोलूं, तूने तो सब कह ही दिया। अरे अपनी शादी की बात सोच रही है, आज दिनेश की सालगिरह है, तेरे लिए तो आज स्पेशल दिन है, मुबारकबाद नहीं देगी तू उसे? मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि आज का दिन 15 दिसंबर हमेशा हमेशा एक महत्वपूर्ण दिन बना रहे, जैसे 2 अक्टूबर, 23 जनवरी, 14 नवंबर और 10 जून। 2 अक्टूबर गांधी जी, 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस, 14 नवंबर पंडित जी, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये 10 जून किसका जन्मदिन? नहीं मालूम। ये जन्मदिन है मेरा। बाकी सब ठीक है, लेकिन 15 दिसंबर से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, ये दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। क्यों अच्छा नहीं है? अपने जन्मदिन पर उल्टी सीधी बातें। उल्टी सीधी बातें नहीं मोना, मैंने बहुत छानबीन कर पता लगाया है। क्या पता लगाया है? यही कि एक औरत ने अपने पति को मार दिया ताकि उसका 17 साल का लड़का रियासत का राजा बने, लेकिन मजे की बात देखो, राजा बनते ही उस लड़के ने अपनी माँ को मरवा डाला। अपने जन्मदिन पर ये सब क्या उल जलूल कह रहे हो? इसी राजा ने अपनी पहली औरत को दूसरी औरत से शादी करने के लिए तलाक दे दिया, फिर दूसरी औरत का भी खून करवा दिया, और जिस तीसरी औरत के लिए दूसरी औरत को रास्ते से हटाया था, जब उसने भी शादी के लिए आनाकानी की, उसे भी रास्ते से हटा दिया। कौन है ये बेवकूफ? इस सम्राट की नजर फिर एक शादीशुदा औरत पर पड़ी, राजा ने क्या किया, उसके मर्द को भी रास्ते से हटा दिया। इतिहास में ये भी लिखा है कि इस राजा ने बचपन में अपने गुरु को खुदकुशी करने पर मजबूर किया था। क्या बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही है? सुनो, जब दुश्मनों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया तो राजा ने अपने ही आदमियों से कहा कि देखो, मैं दुश्मनों का हाथ मारना नहीं चाहता, तुम लोग मेरा खून कर डालो। इस सम्राट का जन्म 15 दिसंबर को हुआ था, और ये अपने युग का बहुत बड़ा शिल्प और कला का पुजारी भी था। अच्छा ना, मैंने इतिहास नहीं लिया। वो तो ठीक है, लेकिन तुम लोग पूछोगे नहीं, ये सम्राट थे कौन? कौन थे? इस राजा की राजधानी में जब आग लगी हुई थी तो ये राजा वायलिन बजाकर कला का रस ले रहा था। ये थे रोम के सम्राट नीरो, जन्म 15 दिसंबर सन 37 ईसा के बाद। चलो बच गए, मैंने समझा कोई इंडियन राजा है। 15 दिसंबर मेरी एक मौसी का भी जन्मदिन है, फिर मेरे एक पड़ोसी है वैद्य शर्मा, उनका भी 15 दिसंबर जन्मदिन है, वो तो कोई वायलिन नहीं बजाती। 15 दिसंबर जिसका जन्मदिन होता है ना, उन सबों के अंदर नीरो जैसा सम्राट सोया रहता है, हमें पता नहीं चलता। और कोई टेलीफोन तो नहीं करना है? अरे नहीं नहीं, अब मैं क्या करूं, या कोई ढंग से काम करता ही नहीं। अब देखो ना, ये दामोदर, इस दामोदर से तो अपनी कंपनी में आधे घंटे में मिल ही लोगे, मुझे भी कुछ कहना है। सॉरी, रोज तुम्हारी किताब लाना भूल जाता हूँ, आज मैं जरूर ले आऊंगा। ठीक है, ले आना। मैं कह रही थी कल 15 तारीख है। ओ हाँ हाँ, मालूम है, मेरा जन्मदिन है। चलो कल ताज चलते हैं, वहाँ से हम लोग ताज अगले साल जाएंगे। कल यही अपने 7-8 दोस्त बुला रही हूँ, रंजन, मिसेस नारायण, दीपा, किसी को बताएंगे नहीं तुम्हारा जन्मदिन है, कहूंगी यूं ही खाने पर बुला रही हूँ। ये तो बहुत ही अच्छा है, आज मैं तुम्हारे लिए किताब जरूर ले आऊंगा। वो किताब का नाम क्या है? तुम्हारे पहले चीफ मिस्टर सूद को बुलाए। अरे नहीं नहीं, खाने पर 7-8 से ज्यादा लोगों को बुलाओगी ना तो बाजार सा हो जाता है। मैं सोच रही थी रमेश और निशा। बस बस, 7 या 8, इससे ज्यादा भीड़ करने की क्या जरूरत है। वैसे तुम जिसे चाहो बुला सकती हो, क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, वो ओहो, क्या मुसीबत आ गई, मेरी तो बातें भी नहीं सुनोगे। सुनो, टाइम टाइड एंड दिनेश विद फर्नान, बोलो क्या बोलना है। मालूम है, मेरे से तो बातें करने के लिए एक दिन 4 मील पैदल चलकर आए थे। जी हाँ, बोलो क्या है। आज गाड़ी भेज देना। बस इतनी सी बात? भेज दूंगा। अरे तुम, आज 11 बजे कॉलेज में मिलने की बात थी, तुम आई नहीं, इसलिए मैं। आज तो सब बंद है, बस टैक्सी सब स्ट्राइक पर है, कैसे आती मैं? पता नहीं, मैंने सोचा तुम आओगी। लेकिन तुम यहाँ कैसे आए? पैदल। पैदल यहाँ कॉलेज से 4 मील पैदल चला टहलता टहलता।
घंटे भर की तो बात थी। अब अंदर तो तुम्हारे पिताजी होंगे। हाँ है, वो भी आज कहीं नहीं गए। फिर मैं जाता हूँ। अरे इतनी दूर पैदल आकर? सिर्फ तुम्हें देखने आया था, तुम्हारे साथ दो बातें तो हुई। तू भी खूब है, कहां से मिलती है तुझे ये सब खबरें? ओके, मुझे बताना जरूर। ओके बाय। हेलो, अहो भाग मारे, आज किसका मुंह देखा जो तेरी आवाज सुनने को मिल रही है? सवेरे सवेरे किससे इतनी बातें कर रही थी? आधे घंटे से कोशिश कर रही हूँ। सुन, कल अशोक के साथ यहाँ आ जाना, 6:30-7 के अंदर, खाना यही खाना। कोई खास बात नहीं, बहुत दिनों से मिले नहीं। दिनेश कह रहा था चलो एक दिन हल्ला गुल्ला करते हैं। जरूर कोई बात होगी, हमारे एक दोस्त है, वो भी अपनी शादी का दिन नहीं मनाते, तो वो दिन मनाते हैं जिस दिन उनकी मुलाकात उनकी वाइफ से पहली बार हुई थी। सच, पहली मुलाकात का दिन ही असली दिन होता है। तो 15 दिसंबर भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, अच्छा यूं समझ लीजिए, 15 दिसंबर को रोम के सम्राट नीरो का जन्म हुआ था, हम उन्हीं का जन्मदिन मना रहे हैं बस। लेकिन आइएगा जरूर दोनों, यही 6:30-7 बजे आऊंगी। बाय। रोम के सम्राट की सालगिरह, कितने पागल हैं सब इस दुनिया में। उफ़, इतनी जल्दी गाड़ी भेजने की क्या जरूरत थी? नमस्ते। नमस्ते, कहिए। दिनेश जी हैं? काम पर चले गए। इतनी जल्दी चले गए? रोज 9 बजे के करीब निकल जाते हैं। अच्छा, क्या काम है? उन्हीं से काम था। आप आज यहाँ आएंगे कहा था क्या उनसे? कहा तो नहीं था, लेकिन फैक्ट्री 10 बजे शुरू होती है, मुझे लगा इतनी जल्दी घर पे तो मिल ही जाएंगे। कहाँ से आ रही हैं? मैं उन्हीं की फैक्ट्री में काम करती हूँ। फैक्ट्री में? फिर फैक्ट्री में क्यों नहीं मिलती? वो घर पर किसी से मिलना पसंद नहीं करते। मेरा काम बहुत जरूरी है, मैं एक दिन और भी आई थी परसों, लेकिन आप कोई घर में नहीं थे। खैर, आप उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलिए वहीं दफ्तर में। एक्सक्यूज मी। आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप सब यहाँ के पुराने और तजुर्बेकार काम करने वाले हैं, आप लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा इस कंपनी की नौकरी में बीता है, उस हिसाब से मैं तो बिल्कुल नया हूँ। बताइए, एक इंसान और एक कंपनी में क्या फर्क है? सर, हम तो हमेशा मालिकों की सुनते आए हैं, यहाँ हमारी बात सुनने की कभी किसी ने जरूरत ही नहीं महसूस की, इसलिए हम भी चुप रहते हैं। सर, पुराने तौर तरीके भूल जाइए, मैं पूछ रहा हूँ, बताइए एक इंसान और संस्था में क्या फर्क है? सर, हमें तो बोलने की आदत ही नहीं, आप ही बताइए। चलिए मैं ही बताता हूँ, आप बैठ जाइए। इंसान की उम्र बढ़ती है, वो बड़ा होता है, बुढ़ापा आता है, फिर एक दिन गुजर जाता है, लेकिन एक कंपनी या संस्था बुढ़ापा या मौत दोनों से दूर रह सकती है, पर यही एक इंसान और संस्था में फर्क है। जबकि इंसान गुजर जाता है, लेकिन एक कंपनी हमेशा हमेशा के लिए कायम रह सकती है। कहा तो बिल्कुल ठीक है सर, हम तो यही जानते हैं कि संस्था किसी एक की नहीं होती, उसका कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन इंसान अपना भला बुरा समझ सकता है, अपने भले बुरे की हिफाजत कर सकता है। एक इंसान अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन एक कंपनी से जुड़कर दूसरों के साथ मिलकर उसका माँ बाप बन सकता है। कहने का मतलब है
हम सब अपनी कंपनी को एक छोटी की कंपनी बना सकते हैं जो हमेशा अमर रह सकती है, और एक इंसान भी उसी कंपनी के जरिए अमर रह सकता है। अब ये कहेंगे आंखें बंद कर सब काम पर जुड़ जाओ, रुपये पैसे की बात मत करो, कल का लौंडा हमें सिखाना है। जर्मनी में एक कहावत है कि लड़कियों का शरीर एक कीमती घड़ी की तरह होना चाहिए, ना धीमा ना तेज, बस हर वक्त सही टाइम ही दे। मनीषा तुमने वो किताब पढ़ी है बॉडी लाइफ, उसका हिंदी तर्जमा भी निकलने वाला है, सुंदर शरीर। नहीं, मैंने दिनेश से कहा है एक कॉपी खरीद कर ले आए। हर जगह नहीं मिलती, बहुत डिमांड है उस किताब की। मैंने मिसेस कनोडिया से कहा है कि मेरे लिए 10-12 कॉपीज ला दें लंदन से, कहो तो तुम्हारे लिए एक रख दूं। दिनेश से तो मैंने कह रखा है, कहीं दो कॉपियां ना हो जाए। अच्छा, नीचे अब आ जाओ। यस, मैं अंदर आ सकता हूँ सर? आइए आइए धनराज, मेरे दरवाजे आप लोगों के लिए हमेशा खुले हैं, बैठिए। शुक्रिया। सिगरेट पेंगे? नो थैंक यू सर। मेहरबानी करके ये सर छोड़ दीजिए। सर, सर की आदत ने आज अंग्रेजों को दुनिया की चौथी या तीसरी ताकत पर उतार दिया है। ये देखिए अमेरिका जर्मनी को, टॉम पीटर फ्रैंक कहकर वो लोग कहां से कहां पहुंच गए। और जापान, अच्छा सवाल है, जापानीज के बारे में जानना जरूरी है, वो लोग अमेरिका और यूरोप से आगे बढ़ते जा रहे हैं। सर, मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ। कहिए। यहाँ के मैनेजर, सुपरवाइजर, फोरमैन सबका दिमाग आसमान पर चढ़ा हुआ। सर, आपने शायद साहब से कहा है जनरल नॉलेज हासिल करना बहुत जरूरी है, उससे काम ज्यादा होता है। अब सब काम के वक्त बैठे बैठे मैगजीन और रिसाले पढ़ते रहते हैं। सर, ऐसा तो पहले यहाँ कभी नहीं हुआ। देखो धनराज, जो अपना काम पूरा करके मैगजीन पढ़ते हैं, चाहे फैक्ट्री के वक्त में क्यों ना हो, उसमें हर्ज क्या है? दुनिया में कहां क्या क्या तरक्की हो रही है उसका पता तो लगना चाहिए। क्यों? बॉडी लाइफ, ये किताब भी क्या आप जनरल नॉलेज और फैक्ट्री की तरक्की के लिए पढ़ रहे हैं? नहीं नहीं, ये किताब अभी अभी खरीद कर लाया हूं, कल मेरी सालगिरह है, मुबारकबाद देने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी सालगिरह पर अभी वाइफ को कुछ प्रेजेंट देता हूँ। सुना ये किताब बहुत पॉपुलर है, दुकानदार कह रहा था 20 मंगवाइए तो 10 ही मिलती हैं। क्यों? जहाज, पोर्ट कमीशन, कस्टम्स, सबों की निगाह इसी किताब पर जो है, आधी किताबें उन्हीं में खप जाती हैं। औरतों की जिस्म के बारे में किताब है, जाहिर है पढ़ने वाले ज्यादातर मर्द ही होंगे। गुड मॉर्निंग सर, मैं टेलीफोन ऑपरेटर बोल रही हूँ। यस, क्या चाहिए? मैंने आपके पास एक स्लिप भेजी है सर। मेरे पास? क्या नाम है आपका? जी हाँ सर, हमारे टेलीफोन ऑपरेटर। यहाँ कोई स्लिप नहीं आई। फिर अभी मिल जाएगी सर, मैंने कुछ रिक्वेस्ट की है आपसे। ठीक है, स्लिप आने दीजिए। ये वही लड़की है जिसकी शिकायत की गई है? जी। कितने दिनों से काम कर रही है? एक ही महीने हुआ सर, टेम्पोररी है, लीव वैकेंसी पे काम कर रही है। तो हटाइए झमेला, छुट्टी करिए इसकी, बॉम्बे में बहुत से टेलीफोन ऑपरेटर्स मिल जाएंगे। लेकिन सर, हमेशा लीव वैकेंसी पर ही काम करते आई। धर्मराज, किसी कंपनी के काम से उसके कर्मचारी बड़े नहीं होते। काम ना हो तो कंपनी टिक नहीं सकती, और अगर कंपनी ना हो तो लोग कहाँ काम करेंगे? और सर, कर्मचारी ना हो तो क्या कंपनी चल सकती है? इसका मतलब ये तो नहीं जो काम चोर हो कंपनी उसे बिना वजह तनख्वाह दे दी जाए। कंपनी किसी को बिना वजह तनख्वाह नहीं देती, और ना ही कोई बिना वजह काम चोर बनता है। तो काम चोर बनने की वजह क्या होती है? वक्त आने पर सर फिर एक दिन डिस्कस करेंगे। मैं चलता हूँ। सर, मिल लीजिए पूनम से, हमारे टेलीफोन ऑपरेटर, शायद कोई परेशानी हो। अच्छा, हेलो असदेवन, हमारे यहाँ कोई टेलीफोन ऑपरेटर है पूनम? हाँ सर, टेम्परेरी तौर पर है, और हमारी पुरानी ऑपरेटर 3 महीने की छुट्टी पर गई है, उसे बच्चा होने वाला है, जी हाँ उसी की जगह पर है। हाँ सर, मिल चुका हूँ एक बार, हमारे सुपरवाइजर तो बिल्कुल नहीं चाहते कि उसे क्या बताऊं सर, स्टाफ में हर एक की नजर उस पर है, और सुना है कि चाल चलन की भी अच्छी नहीं। पूनम को ये मालूम होना चाहिए, कंपनी के टेम्पररी वर्कर को
सीधा चीफ से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे और उसके बीच करीबन एक दर्जन ऑफिसर्स हैं, किसी से भी उसकी मुलाकात करवा दीजिए। जी कह दीजिएगा। सर सर, मैं अभी का इंतजार कर रही थी। मैं यहाँ के टेलीफोन ऑपरेटर हूँ, पूनम। मैंने आज एक चिट्ठी भेजी थी आपको। मुझे इसी वक्त मीटिंग में जाना है अभी। I'm sorry। कल सर? कल सुपरवाइजर से मिल लेना। सुपरवाइजर से तो मैं मिल चुकी हूँ सर, आप ही से मिलना था। कल सुबह 5 मिनट? कल सुबह भी 10 बजे मीटिंग है। फिर कल शाम को इसी वक्त? प्लीज सर, कल मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सर, गुड नाइट। खबरदार जो मेरे घर तक आया। मैं कहाँ जाऊँ पूनम? भाड़ में, मेरे पीछे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। ए, मेरे साथ घर चलना। और आगे बढ़ा तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। जाता है कि नहीं? अरे गोविंद अभी तक नहीं आया है पूनम। अरे अच्छा हुआ तू आ गई पूनम। कल रात यहाँ एक पार्टी सी है, तो जल्दी आ जाना। मुझसे एक पैसा मत मांगना। अरे नहीं नहीं, वो राजेश है ना, दुबई से आया है, वो ही खर्चा करेगा। तू जा कहाँ आ रही है? सफीना की शादी में। अगर देर हो जाए तो मैं रात को नहीं लौटूंगी। लेकिन हाँ कल जल्दी आना, भूलना नहीं। बाय। आइए मिसेज नारायण, वेलकम। क्या बात है मनीषा, आज दावत किस खुशी ने दी है? बस ऐसे ही। मिसेज नारायण कहाँ रह गए? उनकी मत पूछो, उन्हें तो जैसे मेरे साथ चलने में शर्म आती है। कहा है बाद में आएंगे। दिनेश कहाँ है? बस आते ही होंगे, बैठे ना। भाई उस दिन मैंने टीवी पर दिनेश को देखा, मैं तो पहचान ही नहीं सकी। ठोक पीट कर तुमने क्या बना दिया है उसका। भाई एक दिन हमारे लेडीज क्लब में भी आओ, वहाँ रिसेप्शन रखते हैं। वहाँ सब लेडीज को बताओ कि अपने पति को रास्ते पर कैसे लाया जाता है। हाउ टू मेक अ हस्बैंड। भाई सच में तुमने तो कमाल कर दिया। दिनेश को चाहिए कि तुम्हें सोने के फ्रेम में जड़वा कर पूजा करे तुम्हारी। पूजा और मेरी? कमला मुझसे तो दो बात तक करने की फुर्सत नहीं है। देख तो रही हो अभी तक नहीं आए, कहा था 6 बजे तक डेफिनेटली आ जाऊंगा। अरे तो मर जात है, सर से पांव तक नमक हरा। बस अपना मतलब देखते हैं। खैर नमक हराम तो नहीं कहूंगी, असल में अपने काम में इतने उलझे हुए रहते हैं कि घर की सुध। अरे तो... काम वाम तो महज एक बहाना होता है, मर्दों की एक सिफत है, उन्हें एक ही साथ कई चीजों से प्यार होता है। तुम भी हो और भी हैं। अब तुम इसे चाहे नौकरी कह लो, घूर दौड़ कह लो, या क्यों मोना ये पार्टी किस खुशी में? सब खैरियत तो है। सब खैरियत है, पार्टी के लिए कोई वजह होना जरूरी है क्या? राजू को कहाँ छोड़ आई? मैं तो तंग आ गई इनसे, दुनिया भर का जरूरी काम तो बस इन्हें ही करना पड़ता है ना। घर भी नहीं आए, एक नौकर से अपना सामान मंगवा लिया और चले गए दिल्ली आज शाम की फ्लाइट से। अरे तू अकेली थोड़ा ही इस मामले में, मेरे पति भी कह गए हैं बाद में आएंगे, अब पता नहीं आते हैं या वो भी शायद दिल्ली चले जाए। चलो अच्छा हुआ तुम्हें तो बॉम्बे में छोड़ गए। अरे मुझे तो गलती से भी कहीं नहीं ले जाते, जरूरी काम जो रहता है उन्हें दूसरे शहरों में। जरूर दीपा होगी, हमेशा देर से आती है। वेलकम। भाई मामला क्या है? मैं फूल कुछ नहीं लाया। हाय हाय। चलो फूल नहीं लाए, माफ किया।
तुम सब लोगों से मिलने की खुशी में ही ये पार्टी है। हमें खर्चा तो नहीं देना पड़ेगा। वकील साहब फीस लेना जानते हैं, देना नहीं। कहाँ है तेरा दिनेश? आज लेती हूँ उसे आड़े हाथ। शायद इसी डर से घर अभी तक नहीं आए। अरे रजनी, तेरा राजन आज भी गायब? यहाँ तो सभी राजन गायब हैं, बस एक तू ही है जो पल्लू से बांधे रखी है। अरे वो तो मैं आज अड़ गई, साथ ही जाएंगे, वरना ये भी क्या कुछ कम है। दिनेश भी नहीं है आज यहाँ? वो भी अपने मन के मालिक है, मैं क्या कर सकती हूँ। अरे क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं किया तूने? मिट्टी से सोना बना दिया है। आजकल आए दिन बिजनेस एक्सप्रेस में तस्वीर, टाइम्स में आर्टिकल, टीवी पे इंटरव्यूज। मैं तो कहूंगी दिनेश तेरे हाथों से बनाई हुई एक जीती जागती कठपुतली की तरह है। मेरे हाथों से बनाए हुए होते तो यहाँ नहीं रहते घर में। अरे सब नमक हराम है। अशोक हमेशा चुपचाप रहता है, कोई कुछ भी कहे। वकील जो है बिना फीस के मुंह नहीं खोलते। एक बात तो बताई नहीं, आज की ये दावत किस खुशी में है? मोना, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह तो नहीं? नहीं। तो फिर तुम्हारी सालगिरह होगी। कोई जरूरी है किसी की सालगिरह ही हो? से मिलने कोई एतराज है? दबा तो देखो इस लड़की की। दबा क्यों करती हूँ मुझसे? दो रोटी से मतलब है ना तुम्हारा? हम तुझे हंसते हुए मिला हमें मौका है।
पौने 11 बज गए, ये कहाँ अटक गया आज? चलो तुम दोनों भी खा लो, कब तक इंतजार करते रहोगे? खाना लेकर इंतजार करने की तो मुझे आदत सी पड़ गई है, कभी कभी तो इन्हें आधा खाना छोड़कर पुलिस चौकी दौड़ना पड़ता है। जाने क्यों देती है? अरे जाना पड़ता मोना, नहीं जाएंगे तो मुवक्किल को रात भर लॉकअप में सड़ना पड़ेगा। इसीलिए तो वकीलों की जरूरत है, वरना कौन पूछता है मिस्टर अशोक कुमार को। चल देख, जरूर दिनेश का है। तू ये देख, बनाएगा कोई बहाना। मिसेस नारायण ठीक ही कहती है। अरे उठ ना, बहुत हो गया गुस्सा। हेलो, कौन है मोना? कौन कौन है आप? क्या किस पुलिस स्टेशन में? क्या बात है मोना, दिनेश नहीं था? नहीं, किसी और का टेलीफोन था, कह रहा था दिनेश पुलिस थाने में है। अरे कोई रॉन्ग नंबर होगा, आजकल लोग बिला वजह फोन पे अनशन बकते रहते हैं। बैठो। लेकिन दिनेश का नाम लिया उसने। किस थाने में? वो तो नहीं बताया। कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ? क्या मालूम। तुम देखो ना क्या बात है। I'm so sorry, शुक। घर बुलाकर तुम्हें परेशान कर रही हूँ। डोंट वरी मोना, दिनेश के ऑफिस का नंबर क्या है? जिया जी राणा से पूछो ना, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते हो। ओके। हेलो। हाँ कहिए मिस्टर कुमार। एक FIR दर्ज की गई है, कोई मिस्टर दिनेश प्रकाश है, किसी ड्रग्स कंपनी में काम करते हैं। चार्ज है किसी लड़की को जबरन बलात्कार करने की कोशिश। चीफ एग्जीक्यूटिव होने की वजह से किसी खूबसूरत लड़की पर क्या मन मचल नहीं सकता? फिलहाल थाने में है। किस सेक्शन में क्या चार्ज लगाया जाए, बस यही सोच विचार चल रहा है। उम्र लड़की की यही कोई 26-27 साल। पूनम, मिस्टर दिनेश प्रकाश के यहाँ टेलीफोन ऑपरेटर का काम करती है। थैंक यू इंस्पेक्टर, जरूरत पड़ी तो मैं फिर टेलीफोन करूंगा। हाँ दिनेश मेरा दोस्त है, मैं उसी के घर से बात कर रहा हूँ। बाय। घबराने की कोई बात नहीं मोना, दिनेश दादर पुलिस थाने में, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट कुछ नहीं, कोई फैक्ट्री का मामला है, मैं खुद जाता हूँ, उसे साथ लाऊंगा। दीपा तुम ही रहना। कुछ खा तो लो, बिना खाए? मैं दिनेश के साथ ही खा लूंगा। मैं भी चलूं साथ? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, डोंट वरी। एक मिनट। हाँ। मामला गड़बड़ है दीपा, दिनेश अपने ऑफिस की किसी लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश किया। ये सब क्या कह रहे हो तुम? लड़की ने खुद रिपोर्ट लिखवाई है, मोना से क्या और कैसे कहोगी ये तुम ही जानो। लेकिन मेरी तो हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। नहीं नहीं ये सब मुझसे नहीं कहा जाएगा, तुम ही बताओ। ठीक है, मैं बाहर जाकर मोना को टेलीफोन करता हूँ, तब तक तुम उसका ख्याल रखना। सुनो जल्दी आना। चल मोना हम दोनों खा लेते हैं, ये जब आएंगे खा लेंगे। क्या बात है, अशोक कुछ कह रहा था? नहीं ऑफिस का झमेला है, कहा है टेलीफोन करेंगे। आना मुझे बहुत भूख लगी है। तो खा ले दीपा, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। कुछ खा ले मोना, पुलिस का मामला है, देर भी हो सकती है। आ बैठ।
हेलो, हाँ अशोक। दिनेश कहाँ है? अभी ऐसा लग रहा किसी ने मुंह पर तेजाब डालकर जला दिया है मुझे। ऐसा नहीं कहते मोना, सब कुछ गलत भी तो हो सकता है। दिनेश ऐसा नहीं है, और फिर अशोक भी तो वही है, सब ठीक हो जाएगा। मोना मोना प्लीज मोना। अफसोस की बात तो यह है इंस्पेक्टर कि अगर कोई अपनी मेहनत से तरक्की करता है और उसे आगे बढ़ता है तो उसे कुछ परेशानियों का शिकार भी होना पड़ता है। हम हिंदुस्तानियों की कुछ ऐसी आदत है कि दूसरों की तरक्की देखकर हमारे दिल में जलन पैदा हो। मुझे शक है कि इस केस में भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। लेकिन जब वो लड़की पूनम यहाँ आई थी उसके ब्लाउज के हुक खुले हुए थे। ब्लाउज फटा हुआ था, बलात्कार किया गया था, ये कहने से कोई जुर्म थोड़ी साबित होता है। आप तो पुराने अफसर हैं, आप जानते हैं कि इस तरह के आरोप के पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। अभी अपने भारत मेट्रोस के मिस्टर चतुर्वेदी का केस ताजा है, उसमें भी लड़की फटे ब्लाउज में कमरे के बाहर आई। बयान में कहा गया कि उसके साथ नाजायज हरकतें की गई। आपको नतीजा मालूम है? जज ने चतुर्वेदी को बेदागृह कर दिया। नो प्रूफ। प्रूफ करने के लिए ही तो आप और हम है। आज उनकी सालगिरह है, घर में मेहमान आए हुए, अगर आप उन्हें फौरन छोड़ दें तो बहुत अच्छा हो। मैं कोशिश करूंगा। थैंक यू। आप बैठो ना, बैठे। इट्स ओके। रहने दीजिए, मैं देखती हूँ। आप मुंह धोकर आइए। बागों से घूम नहीं जाए ना। क्या? मैं कह रहा था कि 7 दिन से धोबी नहीं आया। आपकी ये किताबें भी क्या धोबी के यहाँ धुलने जाती हैं? जी जी नहीं, ऐसे ही कोई किताबें भी तो पड़ी हैं इधर उधर। हाँ वो मैं कह रहा। सालगिरह मुबारक हो। सालगिरह? जी। आज क्या तारीख है मालूम है? आज 15 दिसंबर। फिर से आ गई? जी, मैंने सोचा जाकर सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। लीजिए। ये क्या? कुछ नहीं, मैं चली जाऊँ तब देखना। मनीषा ये सब की जरूरत है? हमारा ये आखिरी साल है कॉलेज में, इसके बाद पता नहीं कौन कहाँ चला जाए। तक मनीषा, देखते देखते हुआ 2 साल गुजर गए। एमएससी के बाद क्या पढ़ोगे? कुछ सोचा नहीं। तुम क्या पढ़ोगी? मैं और नहीं पढ़ूंगी। तो मैं भी नहीं पढ़ूंगा। तुम क्यों नहीं पढ़ोगे? देखो
या मुझे पढ़ाने कौन लाया? तुम। अगर तुम ही नहीं पढ़ोगी, छोड़ो इस बात को, मैं तुम्हारे चाले कराता हूँ। नहीं, मुझे अभी जाना है। अरे तुम बैठो, मैं चाले कराता हूँ। सुनो ना, पहली बात, एमएससी के बाद एमबीए पढ़ोगे अहमदाबाद में। ये लो, मैं फॉर्म लेकर आई हूँ। दूसरी बात, आज शाम कैंटीन में श्री दिनेश प्रकाश की सालगिरह की टी पार्टी है, 5 बजे हम सब मिलकर दे रहे हैं। लेकिन तीसरी बात, जल्दी से नहा लो, प्रोफेसर देवधर से मिलना है। बस यही तो है प्यार, धड़कने जब सुने धड़कनों की पुकार, आँखें जब कुछ कहें आँखों से बार बार, प्यार है बस यही तो है प्यार। कोई नाम किताबों पे लिखे किसी का छुप कर, होंठों पे छलक जाए हल्की हंसी किसी से मिलकर, तन मन पर जब हो बेखुदी का असर, प्यार है बस यही तो है प्यार, धड़कने जब सुने धड़कनों की पुकार, आँखें जब कुछ कहे आँखों से बार बार, प्यार है बस यही तो है प्यार। जब दुनिया के रंग सभी बदले बदले, किसी के मिलन को ये दिल तरसे, हर पल मचले दिल पर कोई जब जोर कुछ ना चले, प्यार है बस यही तो है प्यार, धड़कने जब सुने धड़कनों की पुकार, आँखें जब कुछ कहे आँखों से बार बार, ला 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 ला।
क्या सोच रहे हो? मैं जो सोच रहा हूँ क्या तुमसे छुपा है? ओहो, आज मैं जो कुछ भी हूँ तुम्हारी वजह से हूँ। क्या कह रहे हो? एमएससी का अच्छा रिजल्ट मैंने किया है या एमबीए मैंने पास किया या चीफ एग्जीक्यूटिव के इंटरव्यू में मैं पास हुई हूँ? किसने कहा था इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एमएससी पास करके आओ? किसने कहा था अहमदाबाद जाकर एमबीए पास करके आओ? किसने कहा था स्टील अलॉय कंपनी के जनरल मैनेजर की पोस्ट तुम्हें ही लेना चाहिए क्योंकि वहां के शेयर्स गिर गए हैं, वहां ज्यादा अर्जियां नहीं आएगी? किसने कहा था अगर तुम अपनी मेहनत से उस कंपनी की थोड़ी सी भी सुधार कर दो तो तुम्हारा नाम होगा, शोहरत बढ़ेगी और फिर? आज क्या बात हो गई? इतना तो कभी एक साथ नहीं बोले। आज हमारी 5 साल की जान पहचान की मिलन की रात है, आज तो कहने दो मुझे। बस इसी तरह जिंदगी कट जाए तो मेरी अपनी बनी रहो, मेरे नजदीक, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिनेश सुनो, कल म्यूजियम, सुनो ना, बाद में पढ़ना। बोलो। कल म्यूजियम 2 घंटे के लिए जाएंगे और वहां से कॉफी हाउस चलेंगे, जब तक तो शाम हो जाएगी। मुझे मालूम है तुम कहोगे कि पढ़ोगी कब, लेकिन मैंने दिवाकर सर से कह दिया है कि मुझे रोज 2 घंटे के लिए पढ़ाना होगा। अब तो खुश हो ना, बोलो ना, मुझे लेके चलोगे या नहीं? प्लीज बोलो ना दिनेश, प्लीज। ये लाइब्रेरी है दिनेश, यहाँ चुपचाप पढ़ाई की जाती है, इतना भी नहीं मालूम? और अगर बातें ही करनी है तो बाहर जाओ, गेट आउट। सॉरी सर, गलती हो गई, आइंदा नहीं होगा। लेकिन दिनेश, सुनिए, कल इतना खराब लगा मुझे, आपने क्यों सारा दोष अपने सर पर ले लिया? बातें तो मैं कर रही थी। और मैं सुन रहा था, अपराधी तो नहीं है? नहीं, आप इस कॉलेज के अच्छे स्टूडेंट्स में से हैं, आपको कोई इस तरह अपमानित करे अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, लाइब्रेरी सर ने तो ठीक ही कहा था। मैंने जब कल पिताजी को बताया तो कहने लगे गलती मेरी ही थी। तुमने इतनी सी बात पिताजी से कह दी? मैं तो पिताजी को सब कुछ बता देती हूँ। आज की बात भी कह दोगी? हाँ, क्यों नहीं। अगर अशोक ना होता तो और देर हो जाती। अशोक ने कहा तुमने उसे थाने भेजा था, शायद तुम्हारी वजह से छुटकारा हुआ। मैंने तुम्हारे लिए वो किताब खरीद दी थी लेकिन ला नहीं पाया, पुलिस ने रख लिए। मोना, तुम्हें पुलिस स्टेशन क्यों ले गए? अशोक को सब मालूम, उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया होगा। पुलिस का मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, अशोक भी यही कह रहा था। कल सुबह पुलिस स्टेशन जाना है 9 बजे। खाना रखा है, खा लो। ये तुम्हारे दिनेश के बारे में क्या सुन रही हो? तुम्हें भी पता चल गया? क्या सुना तुमने? कंपनी की लड़की को अपने कमरे में बुला के जबरदस्ती उसकी इज्जत लूटी। अरे इज्जत विज्जत नहीं लूटी, हाँ तुम ये कह सकती हो कि शायद इज्जत लूटने की कोशिश की। तुम ज्यादा अपनी बॉस की तरफदारी मत करो, तुम्हें भी खूब जानती। अरे तो मैंने क्या किया?
अरे इज्जत लूटने की कोशिश की, कोशिश क्या होती है, एक बेचारी लड़की को बर्बाद कर दिया। कौन थी वो लड़की? हमारे टेलीफोन की नई ऑपरेटर मिस पूनम, आवाज तो तुमने सुनी होगी। टेलीफोन ऑपरेटर? आवाज तो बड़ी सिकती है उसकी। और रुक्मणी, ऐसे अफसरों को तो जूते मारने चाहिए, बड़े दीन हाका करते थे, कंपनी की भलाई में ही अपनी भलाई है, कंपनी की इज्जत हमारी इज्जत है, देख लिया ना इनकी इज्जत का नमूना। आज तुम्हें महिला समिति की मीटिंग में नहीं जाना? हाँ जाना तो है, और जाके कहूंगी कैसे होते हैं ये मर्द। कोई कुछ बिगड़ देखा, आज पूनम मैडम गायब है, क्या समझे? देखो शायद अपने दिनेश साहब भी गायब होंगे। हेलो। हाँ रूपा बोलो। तुम मर्दों का भी जवाब नहीं। सुना है तुम्हारे दिनेश साहब अपने टेलीफोन ऑपरेटर पूनम के साथ ऑफिस के टाइम में किसी होटल में पकड़े गए। जानते हो लड़की ने पुलिस में बयान दिया है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। ओह नो डार्लिंग, ये सब झूठी अफवाहें हैं। दफ्तर के टाइम के बाद यही ऑफिस में ही कहीं कुछ गड़बड़ हुई लगती है। अरे कुछ नहीं, बहुत सी। मैंने सुना है कि लड़की के अंदर ब्लाउज था ही नहीं, वो बिना कपड़ों के ही ऑफिस से भागकर बाहर आ गए थे। अरे कहाँ से ये मनगढ़ंत कहानियां सुनती रहती हो, मैं रखता हूँ टेलीफोन। अरे सुनो सुनो, ओहो भाई देखो तुम्हारे दिनेश साहब तो आज ऑफिस में है ही नहीं, तुम इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हो? अच्छा एक बात तो बताओ, हमने ऐसा भी सुना है कि तुम्हारी पूनम ऑफिस में बहुत सज धज कर आया करती है। पूनम मेरी नहीं है, दफ्तर की टेलीफोन ऑपरेटर है। सुना है बड़े साहब ने पूनम को नौकरी पर रखा है। हाँ यार इस बार उन्होंने रखा है, पिछली बार तो सूद साहब ने रखा था। असल में हमारे धर्मराज की सिफारिश से यहाँ आई थी। धर्मराज के साथ कोई चक्कर तो नहीं है? सुना है वही ले गया था पुलिस थाने। अरे यार मालूम नहीं। अच्छा शर्मा, देखने में कौन अच्छी है, साहब की बीबी या पूनम? अरे साहब की बीबी बहुत अच्छी है, पटाका है पटाका। हमारे साहब हमेशा एक घंटा पहले आ जाया करते थे, लेकिन आज अभी तक नहीं आए। मुझे तो यकीन ही नहीं होता हमारे साहब ने ऐसी वैसी कोई हरकत की है, मुझे तो साली पूनम ही चालू दिखती है। हाँ अपने साहब की भी नजर उस पर है। भाई मामला टेढ़ा लगता है, 5:30 बजे छुट्टी हो गई, 5:45 पर करीब करीब सभी चले गए, 5:50 पर मैं भी चल पड़ा, फिर मैंने देखा पूनम टेलीफोन पर बैठी है। मैंने पूछा घर नहीं जाना है, तो उसने घड़ी देखी, मैंने भी घड़ी देखी, 5:52। पूनम मुस्कुराई और बैठी रही, मैंने सोचा शायद कुछ काम होगा। फिर सुना पीयून राजू ने पूनम को बड़े साहब के कमरे में घुसते देखा। कब तक थी पूनम साहब के कमरे में? अरे यार मैं क्या स्टॉपवॉच देकर बड़े साहब के कमरे के बाद टाइम ले रहा था। पूनम खुद गई थी साहब के कमरे में, यहां से बुलवाया गया था। ये भी एक पहेली है, असलियत क्या है चौधरी कुछ तो बताओ। फिर बिटवीन शाम के 6 और 6:20 के अंदर बड़े साहब के कमरे में कुछ हुआ है। ये साला कमरा है या इंदरपुरी, एक तरफ टेबल कुर्सी, दूसरी तरफ डनल पिलो लगे हुए 2 बड़े दीवान, जी चाहे तो बिस्तर ही समझ लो। काम की जगह पर डनल पिलो क्या जरूरत है भाई? ये सब बड़े साहब ने तो नहीं बनवाया, ये पहले बॉस सूद साहब ने 3 लाख का कॉन्ट्रैक्ट देकर इंटरनेशनल डेकोरेटर श्रीमती परमिला से बनवाया था, और बाद में श्रीमती परमिला मिसेस सूद बन गई। अब क्या पूनम मिसेस दिनेश प्रकाश बनेगी? अरे यार पूरी बात बता ना। करीबन 6:20 पर पूनम बड़े साहब के कमरे से बदआवाज दौड़ कर निकली, ब्लाउज फटा हुआ, आधी नंगी, साड़ी हाथ में लिए, फिर 6:21 पर सीधे धर्मराज के कमरे में घुस गई। धर्मराज तब तक वहीं था? जरूर होगा, नहीं तो उसके कमरे में जाती क्यों?
फिर क्या हुआ? 6:40 पर पुलिस आ गई। मगर पुलिस को खबर किसने दी? हो सकता है धर्मराज ने, या हो सकता है पूनम ने खुद। धर्मराज का जरूर कुछ हाथ है इसमें। एक मजेदार बात और है, पुलिस जब बड़े साहब के कमरे में घुसी तो साहब जाने की तैयारी में थे, फिर उनके हाथ से किताब मिली, नंगी औरतों की तस्वीरों वाली किताब। अच्छा, बॉडी लाइफ। अरे बड़े बड़े अफसर सब वैसे होते जा रहे हैं, सोचा होगा गरीब घर की लड़कियों की तो कोई इज्जत है नहीं, तो मन में आया तो करेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। पूनम ने चप्पल उतारकर बदमाश की पिटाई क्यों नहीं की? कर सुनो, असल में हुआ क्या है ये मालूम है सिर्फ प्यून राजू को, और आज वो साला गोल कर गया, आया ही नहीं। धर्मराज को भी मालूम है जरूर, मगर उनसे बात कौन करे, वो ठहरे हमारे यूनियन के नेता। सो तो है। एक बात हमारे फेवर में ये अच्छी हुई है कि पुलिस ने रेप या अटेम्प्टेड रेप का चार्ज हटा लिया। अब दिनेश पर केस है सिर्फ सेक्शन 354 का। सेक्शन 354 क्या है? क्या बताऊं, यूं समझो कि एक औरत की शर्म और हया पर हमला करना, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। इसकी सजा क्या होगी? जुर्म साबित होने पर जेल और जुर्माना दोनों, जेल 2 साल। लेकिन जब तक जुर्म साबित नहीं होता, कानून की आंखों में दिनेश निर्दोष है। सुना है ये नौकरी नहीं रहेगी? ये बात नहीं मोना, कोई 72 घंटे जेल में रहे तभी नौकरी से हटाया जा सकता है, दिनेश को कुछ नहीं होगा, बेफिक्र रहो। किस्मत में जो लिखा है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, हमारी वजह से तुम दोनों परेशान क्यों हो रहे हो? अरे परेशानी कैसी, ये तो हमारा धंधा है, जब दिनेश बेकसूर साबित होगा तब मैं अपनी फीस दबा कर लूंगा। और अगर कसूरवार साबित हुआ तो? अरे क्या हो गया है तुझे मोना, कहां इस वक्त दिनेश का साथ देगी? वो तो नहीं, ऊपर से शादी के समय अग्नि के सामने क्या प्रतिज्ञा की थी भूल गई? सुख सुख में हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। नो मिस्टेकिंग। प्रतिज्ञा अकेले मैंने नहीं की, दिनेश ने भी की थी। ऐसे टूट जाने से कैसे होगा मोना, दिनेश को अपने काम के साथ साथ आजकल पुलिस थाने के चक्कर भी तो काटने पड़ते हैं, वो खुद को संभाले या तुझे? किसी औरत के शरीर पर हाथ रखने से पहले सोचता था ये सब। कमॉन मोना, इतनी ना समझ मत बनो, दिनेश के खिलाफ सिर्फ एक आरोप है, वो कसूरवार साबित तो नहीं हुआ, फिर तुम्हें कैसे पता उसने कुछ किया है या नहीं? कानून अपनी राय देने से पहले अगर तुम उसे कसूरवार समझ बैठो, बेचारे दिनेश पर बहुत बड़ा जुर्म होगा। अगर दिनेश ने सचमुच कुछ किया है तो कोर्ट या कानून कुछ भी कहे, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। ये क्या पागलपन है मोना, जब तक दिनेश दोषी नहीं ठहराया जाता तू उसे पहले की नजर से ही देखेगी, कानून की राय के बाद जो मन में आए करना, समझे? बीबी जी दरवाजा खोल दे, साहब के आने की घंटी है। कहा ना दरवाजा खोल दे। उसे नहीं ला पाया, बॉडी लाइफ, पुलिस ने उसे रख ली थी, मैंने कहा तुम्हें प्रेजेंट देने के लिए खरीदी है, आज वापस कर दी है, वो लोग कुछ गलत ही समझ रहे थे, ये लो।
अखबार में जो भी निकला वो सच है? तुम्हारे कमरे में वो टेलीफोन ऑपरेटर नहीं आई थी? आई थी। एक मामूली सी टेलीफोन ऑपरेटर की हिम्मत कैसे हुई चीफ एग्जीक्यूटिव के कमरे में घुसने की? अपॉइंटमेंट लेकर आई थी। क्यों? एक चिट्ठी भेजी थी। सर, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ नौकरी के सिलसिले में। सिर्फ दो मिनट लूंगी। मेरी बड़ी बहन श्यामा आपकी पत्नी के साथ न्यू ईयर स्कूल में पढ़ी थी। पूनम, मुझे मालूम नहीं कौन थी श्यामा। न्यू ईयर स्कूल में तो तुम थी। हाँ, लड़की कह रही थी मैं घर आई थी, तुम उसे मिल चुकी हो। वो लड़की, उसने क्या कहा तुमसे? देखो मोना, इस मामले को लेकर तुम जितनी परेशान हो उससे ज्यादा मैं हूँ। ये देखो, मैं खुद कानून पढ़ रहा हूँ। इस केस पर मेरी इज्जत, मेरी नौकरी, मेरा भविष्य सब कुछ निर्भर है। कुछ दिनों में किस कोर्ट में जाएगा, तब सब कुछ फैसला हो जाएगा। इसलिए इस मामले को लेकर तुम मुझसे कुछ न पूछो तो अच्छा होगा। आपको ये नौकरी कैसे मिली? मेरी माँ कंपनी के फोरमैन धर्मराज जी को पहचानती है, उन्हीं की सिफारिश से। कब? पहले, करीब 2 साल पहले, इस वक्त 1 महीने से। आपको नौकरी दिलवाने में मिस्टर दिनेश प्रकाश का कोई हाथ था? जी नहीं। आप दिनेश प्रकाश को कब से पहचानती हैं? 1 महीने से, जब से मैं नौकरी पे लगी। तो उनसे शाम को मुलाकात आपकी कैसे हुई? मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था मिलने के लिए। मगर क्यों? मेरे काम से कोई खुश नहीं है, सुना था नौकरी से मुझे हटा दिया जाएगा। इसी सिलसिले में मैं करीबन 6 बजे उनके कमरे में गई। क्या बात है? सर, यहाँ मेरी नौकरी टेम्पररी है, वो भी चली गई तो घर में सब भूखे मरेंगे। मेरे घर में माँ, छोटा भाई और बहन है सर, सिर्फ मैं ही नौकरी करती हूँ। बैठे बैठे, यहाँ कब से? 1 महीने से सर। काफी चक्कर लगाना पड़ा। जी। ऐसा क्यों? क्या बताऊँ सर, आपकी आवाज बहुत मीठी है, बहुत बार सुनी है। थैंक यू सर। सर, मेरी नौकरी पक्की करते तो बहुत मेहरबानी होगी। वेल, मैं मिस्टर दामोदर से पूछूंगा। सर, आप एक्सरसाइज करती हैं? नो सर। स्टिल यू हैव अ नाइस फिगर। खड़ी हो जाइए। मुड़िए, मेरा मतलब पीठ मेरी तरह। सर, मुझे जल्दी जाना है। चली जाओ। जल्दी क्या है? आपने क्या किया? हमें तो अकेले नहीं। फिर राजू पियोन हमारे कमरे में आया, उसने पूनम को चीखते चिल्लाते रात के कमरे से बाहर जाते हुए देखा। कुछ और लोगों ने भी बचाओ बचाओ की आवाज सुनी, तब सारे लोग हमारे कमरे में आ गए। हम सब मिलके पूनम को लेके रात के कमरे में चले गए। ये क्या कह रही है सर?
आपने इसके साथ नाजायज शट अप आपसे सर ये उम्मीद नहीं थी। चलो मुन्ना चलो को काम न देना, हेल्थ स्टाफ की छटाई करना, बुजुर्ग ओवर टाइम बंद करना, कंपनी की तरक्की के लिए ऐसे बहुत से काम करने पड़ते हैं जिससे कुछ खुदगर्ज लोगों को नुकसान होता है। ज्यादा मेरे इन एक्शनों से जिन लोगों को नुकसान होता है फायदा नहीं होता, वो कुछ न कुछ चल चलते रहते हैं जिससे मैं बदनाम हूं या यहां से चला जाऊं। हो सकता है पूनम देवी का ये केस इसे चलता एक नमूना हो। घर चलना।
कुछ काम है। मैं मिसेस दिनेश प्रकाश हूँ। आप एक बार हमारे फ्लैट में आई थी मेरे पति से मिलने, तब नहीं बताया आपकी बड़ी बहन न्यूरा स्कूल में मेरी क्लास फेलो थी। आपको मेरी क्या जरूरत पड़ गई? सिर्फ एक बात पूछना चाहती हूँ। रुपया पैसों का लालच दिखाकर मेरा मुंह बंद करवाना चाहती हो ना? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो कोर्ट से मामला वापस ले लूँ, यही ना? आप गलत समझ रही हैं। मैं गलत समझ रही हूँ? मैं आप लोगों की नस नस से वाकिफ हूँ, नहीं तो आप और मेरे पास जाइए, अपना रास्ता नापिए। मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, सिर्फ इतना बता दीजिए क्या सचमुच उन्होंने आपके साथ कोई नाजायज हरकत, मेरा मतलब बम्बई की सब बड़ी बड़ी कंपनियों के अफसर क्या है नहीं मालूम? सब जानवर है जानवर, उन्हें घर में एक औरत से पूरा नहीं पड़ता, और भी शिकार चाहिए। जाइए, चुपचाप चले जाइए यहाँ से। मुझे लाख रुपया दोगी तो भी मैं चुप नहीं रहूंगी, समझी आप? होता जा रहा धनराज का हाथ है इसमें, पूनम धनराज की साठगांठ है। मुझे तो इसी तरह की गुमनाम चिट्ठी भी मिली है। धर्मराज ने लड़की भेज दी और तुम बेवकूफ की तरह उसके जाल में आ गए। ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी अपनी नीयत खराब थी? मैंने धनराज के बहने के ट्रांसपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट आगे कर दिए, वो तो यही चाहेगा मैं फैक्ट्री में ना रहूं, और नहीं तो क्या? दहाड़े खून होने से चार घंटों पुलिस का पता नहीं चलता, वह एक प्राइवेट टेलीफोन से फौरन पुलिस जीप कैसे हाजिर हो सकती? साफ जाहिर है सारी तैयारी पहले से की गई थी। जैसे कोई रेत पे चमके कहीं पल भर शबनम, जैसे चला जाए कोई महका हुआ प्यारा मौसम, कोई भूले जब प्यार की हर कसम, प्यार है क्या यही, क्या यही? ए मैम साहब, पूनम से मिलने जा रही हो? हाँ, कौन से घर है उसका? वो चिड़िया तो उड़ गई। उड़ गई? हाँ, दो दिन से गायब है, अपनी माँ से झगड़ा करके चली गई। कहाँ? कही होगी मरने वही वर्सुआ या कोलीवाड़ा, उसका यार रहता ना वहाँ, और कहाँ जाएगी? वर्सुआ में कहाँ रहती है आपको मालूम है? चार पाँच दिन के बाद फिर आ जाएगी, दोनों बहनों में बनती कहाँ है? बताएंगे 16x5 का कौन सा मकान है? 16x5 सिद्धि कॉलोनी? सिद्धि कॉलोनी तो पीछे है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं है। वो नाला के पास? कौन सा नाला? यही पता बताया था किसी ने, वहाँ एक शर्मा नाम की औरत रहती है। आप एक काम करिए, आगे एक डॉक्टर की दुकान है, डॉक्टर शर्मा होम्योपैथी के डॉक्टर है, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पूछिए, इस इलाके के सब आदमियों को पहचानते हैं। थैंक यू।
डॉक्टर शर्मा आपसे कुछ काम है। बाबूराव ने भेजा है ना, सब ठीक हो जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? देखिए मुझे किसी ने नहीं भेजा, मैं खुद ही आई हूँ, एक औरत से मिलना है, शर्मा है नाम, पता 16/5 सिद्धि कॉलोनी, वो नाले के पास। नाला तो पीछे रह गया है। आप इस इलाके के सब आदमियों को पहचान? हाँ हाँ। श्यामा है नाम। श्यामा से कैसे पता चलेगा, यहाँ तो किसी की मौसी या किसी की फूफी या किसी की औरत या किसी की बेटी हो तो पता चलता है। वो तो नहीं मालूम, श्यामा मेरी उम्र के होगी। बाबू राव कह रहा था कि एक औरत आएगी जन्म पत्री बनवाने, अभी तक आई कैसे नहीं? जन्म पत्र मुझे भी चाहिए, मेरा जन्मदिन 10 जून है। ये रखिए 50 रुपए, हो जाएगा ना? काफी है काफी है, स्पेशल जन्म पत्र के मैं 20 नहीं 25 लेता हूँ। फिर आप 50 ही रखिए, एक जन्म पत्र मेरे पति की भी बना दीजिए, उनकी जन्म तारीख है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर जिसका जन्मदिन होता है ना, उन सबों के अंदर मेरे जैसा संवाद सुना रहता है, हमें पता नहीं चलता। तूने नहीं, आपने पहले क्यों नहीं बताया कि जन्म पत्री चाहिए? क्या नाम बताया? शर्मा। नहीं आपका? मनीषा। जन्मदिन 10 जून, मेरे पति का 15 दिसंबर। शादी कब हुई? 23 अप्रैल। आपको मालूम है श्यामा नाम की कोई लड़की यहाँ रहती है? श्यामा? मकान नंबर 16/5। श्यामा वो कौन हो सकती है? पता 16/5 नाले के पास, उम्र करीबन 19-20? नहीं 26-27 मेरी उम्र की। हाँ उसकी एक छोटी बहन भी है, वो 1 साल छोटी, नौकरी वोकरी करती है, पिछले साल खुदकुशी के जुर्म में पकड़ी गई थी, अस्पताल में थी 1 महीना। एक छोटी बहन है तो सही, पूनम। पूनम पूनम एक ही बात है, यहाँ अपनी बहन के पास आती जाती रहती है, असल में मुझे पूनम से ही काम है। कहाँ रहती है श्यामा? श्यामा श्यामा क्या कह रही है, ये कहिए ना घनश्याम की दूसरी बीवी, यही रहती है, और क्या क्या तकलीफ है बताइए, पुराने से पुराना मर्ज हो तो। नहीं वो सब बात नहीं, पूनम यही रहती है उसके पास, मुझे उसी से मिलना है। सब कुछ बता दूंगा, एक बार अपने आदमियों से पूछ तो लूं। पूछेगा उसने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की थी? और खुदकुशी कहाँ की, वो तो सिर्फ डरा रही थी। किसे डरा रही थी? ये मत पूछिए, थाने में मेरी अच्छी जान पहचान है, पुलिस की शहादत देता रहता हूँ, इंस्पेक्टर भी मुझे मानते हैं। जी रख लीजिए बाकी खर्चे के लिए। बड़ी समझदार है आप, हंडिया तक की खबर ना ला दूं तो मेरा नाम, खैर 2 दिन दीजिए आप, तब तक जन्मपत्री भी तैयार हो जाएगी। और मुझे बाबूराव जी ने भेजा है। इतनी देर करके आई, बैठो उधर, परसों आइए और सब बता दूंगा। और कुछ खास बात हो तो आप मुझे टेलीफोन भी कर सकते हैं, मेरा नंबर है 5308-44। टेलीफोन भी है? देखिए आप, वो जन्मपत्री बनाऊंगा कि बस। क्या नंबर बताया? आज कल और शायद परसों, परसों तक तुम्हारे केस का फैसला जरूर हो जाएगा। 23 अप्रैल को मिस्टर दिनेश प्रकाश फिर बाइज्जत अपने घर लौटेंगे, अपनी पत्नी के पास। 23 अप्रैल? दिनेश और मनीषा की शादी का दिन भी तो 23 अप्रैल है। क्यों दिनेश? एक्सलेंट, फिर हमारी तरफ से शादी की सालगिरह का यही सबसे उम्दा तोहफा होगा, 23 अप्रैल को बेकसूर और बाइज्जत रिहा, और उसी दिन से तुम दोनों की एक नई जिंदगी शुरू होगी। कहाँ है मनीषा? सुबह ही निकल गई, कोर्ट में तो आ रही है ना, क्या पता। मैं आए तो ही अच्छा है, दिनेश की बेकार की बदनामी सुनेगी। ठीक ही कह रही है, कोर्ट की जरह तो तुम्हें मालूम ही है, कुरेद कुरेद के उस दिन के वाक्यों को फिर दोहराएंगे। फिर वो लड़की पूनम, पता नहीं क्या क्या बग डाले। कितने बजे पहुंचना है? दफा 354 का मामला है, 11 बजे के पहले कुछ नहीं होना है। अभी 9:20 हुए हैं, तुम 11 बजे तक जरूर आ जाना, थर्ड मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में है मामला, तुम्हारे कंपनी के काफी लोग होंगे वहाँ। हाँ मैं ही श्यामा हूँ, पूनम की बड़ी बहन। क्या काम है? पूनम घर में है, वो यहाँ क्यों होने लगी इस वक्त? कोर्ट में गई है। और तुम यहाँ क्या कर रही हो? तमाशा देखने नहीं गई? कौन सा तमाशा? क्यों, तुम्हें भी तो न्योता मिला होगा, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में
द्रौपदी की वस्त्र हरण का तमाशा चल रहा है कल से, और दुर्योधन का पार तो तुम्हारे मियाँ ही कर रहे हैं। मुझे ये सब बातें सुनाकर क्या फायदा? फायदा? फायदा सिर्फ तुम लोग ही समझते हो। गई तो थी रुपयों की पोटली लेकर पूनम के पास हमारी इज्जत खरीदने। मैं कोई रुपया पैसा लेकर पूनम के पास नहीं गई थी। आप समझती क्यों नहीं, मैं भी एक औरत हूँ। औरत हो इसीलिए रुपयों का घमंड नहीं गया? कह देना अपने मियाँ से हमारी इज्जत इतनी सस्ती नहीं है जो रुपयों पैसों से खरीद लोगी। कोई आपको खरीद नहीं रहा है। मैं पूनम से सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि सच क्या है। कल जब तुम्हारे आदमी को हथकड़ियाँ पहनाकर जेल की हवा खिलाने ले जाएंगे तब उसी से पूछना सच क्या है। आइए आइए, आपका ही इंतजार कर रहा था। बैठिए बैठिए। क्या कुंडली है आपकी, अखंड सौभाग्यशाली। आपके भाग्य में सुख और समृद्धि का अपूर्व मिलन है। राहु केतु जैसे दुष्ट ग्रह आपके सौभाग्य के सामने गर्दन झुकाए खड़े हैं। क्या मजाल जो आंख उठा करके देखें। आप जैसी भाग्यवती के जीवन में जो चाहे वही होगा जी। और ये लीजिए, ये आपके पतिदेव की कुंडली है। आपके भाग्य से उनके भाग्य का सितारा हमेशा चमकता रहेगा। यमराज भी अगर चाहे तो। पूनम को कुछ पता चला? पूनम की खबर बिल्कुल अच्छी नहीं है। एक बात पूछो, बुरा तो नहीं मानेंगी? पूनम के घर से कोई शादी विवाह का संबंध तो नहीं कर रही है? नहीं। हाँ ये बहुत अच्छा कर रही है। पूनम का घर बिल्कुल अच्छा नहीं है। आज शाम तक बाकी सब पता चल जाएगा। कल एक बार सवेरे आप रहने दीजिए। मनीषा कहाँ है? वो अंदर है। सॉरी मनीषा, दो दिन नहीं आ पाई। टेलीफोन किया था मगर तू घर पर नहीं थी। अरे सुन, कोर्ट में पूनम के ब्लाउज के बटन की पोजीशन लेकर एक लंबी चौड़ी बहस हो गई। धर्मराज का कहना है जब पूनम उनके कमरे में आई तो उसके ब्लाउज के बटन खुले हुए थे, लेकिन प्यून जिसने पूनम को कमरे से बाहर जाते देखा उसका कहना है कि ब्लाउज के बटन बंद थे। सिर्फ उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और वो परेशान थी। आज शायद फैसला हो जाए, पूनम से सवाल जवाब भी आज ही किए जाएंगे। चलेगी तो चलना आज। नहीं दीपा, एक ज्योतिषी का कहना है मेरे भाग्यों में सुख ही सुख है। मुझे तो पूरी उम्मीद है दिनेश निर्दोष साबित होगा। चलना आज। नहीं, सोचा था आज शाम को एकदम सरप्राइज दूंगी, लेकिन जब आज आ ही गई हूँ तो आज के दिन की मुबारकबाद देती हूँ। आज तेरी शादी की सालगिरह है। थैंक्स। और आज तुम दोनों के पुनर्मिलन की भी एडवांस मुबारकबाद। हेलो, मैं डॉक्टर शर्मा हूँ। आप ही आई थी ना पूनम के बारे में? ये आप आई क्यों नहीं? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ जी। सुनिए सुनिए, एक बहुत जरूरी खबर है। एक जवान जहान लड़की के खिलाफ मैं कुछ अनशन तो नहीं कह सकता। फिर आपने तो मुझे जी खोल के पेमेंट किया है। 1 रुपए की जगह 2 रुपए दिए हैं और उनकी तरह पेमेंट करने में खेचातानी नहीं की है। मैं भी ब्राह्मण संतान हूँ, आपके लिए मेरा भी तो कोई फर्ज होता है। लेकिन दुहाई है, ये खबर उड़ती चिड़िया को भी ना मिले कि मैंने ये खबर दी है आपको। आप तो जानती ही हैं, घटिया लोगों का मोहल्ला है। बोरिया बिस्तर बांधकर मोहल्ला छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कहूँ आप आ जाइए, या फिर आप फोन पर पता दीजिए, मैं आ जाता हूँ। नहीं नहीं, मैं ही आती हूँ जी। अगर यहाँ पता नहीं चला तो कहाँ जाना होगा? आप मेरा भरोसा कीजिए, मैं इन सब लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। हम सबूत इकट्ठा करके ही रहेंगे। अब आप मेरे साथ चेंबूर पुलिस स्टेशन चलिए, वहाँ से कुछ जरूर। आप घबराइए मत, चेंबूर पुलिस स्टेशन से अगर कुछ नहीं पता चला तो वहाँ से टैक्सी पकड़ के हम लोग थाना पुलिस स्टेशन चलेंगे। आप देख लीजिए, हम लोग थाना पुलिस स्टेशन चलेंगे। आप देख लीजिए दिनेश, 15 दिसंबर की शाम को आपके कमरे में क्या हुआ था? मिस पूनम मुझसे मिलना चाहती थी, मैं शायद उनसे मिलता भी नहीं, लेकिन उन्होंने मेरे कमरे में एक चिट भेजी जिसमें लिखा था उनकी बड़ी बहन मेरी वाइफ की क्लास फेलो थी। सर वो मेरे कमरे में आई करीबन 6 बजे। गुड इवनिंग सर। क्या बात है?
सर यहाँ मेरी नौकरी टेम्पररी है, अगर वो भी चली गई तो घर में सब भूखे मरेंगे। देखिए फैक्ट्री के कुछ कायदे कानून होते हैं, हमें भी उन्हीं कानून के मुताबिक काम करना पड़ता है। वो तो ठीक है सर, यहाँ के पहले चीफ मिस्टर सूद ने भी मुझे 4-5 महीने रखा था, तो मेरी ही गलती थी कि मैं नौकरी छोड़कर चली गई। अगर आप चाहे तो आप भी मुझे रख सकते हैं। मैं मिस्टर दामोदर से पूछूंगा, देखे क्या कर सकते हैं। मिस्टर दामोदर ही तो मुझे नहीं चाहते, वो कहते हैं अगले हफ्ते से मेरी जरूरत ही नहीं। मैं फिर इस मामले में क्या कर सकता हूँ? मिस्टर सूद जो कर सकते थे वो आप भी कर सकते हैं। मिस्टर सूद ने कहा था जैसे मेरी आवाज मीठी है उसी मैं भी मीठी हूँ। आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। इन तस्वीरों से दिल बहला रहे हैं। मिस्टर सूद भी क्या करेंगे आप? आप इतने नर्वस क्यों हो रहे सर? 6 बज गए हैं, सब चले गए, कोई नहीं आएगा यहाँ। आइए बैठते हैं। पर मिस लड़की, एक हफ्ता तो क्या, कल ही तुम्हारी छुट्टी करता हूँ। मेरी छुट्टी करने से न मुझे फायदा होगा न आपको। चलिए फिर सोनिया। ठीक है फिर मैं जाती हूँ। इसके बाद हमारा प्यान मिस्टर धर्मराज और कुछ आदमी मेरे कमरे में आए और दैट्स ऑल मिस्टर दिनेश प्रकाश, थैंक यू वेरी मच। अब मैं चाहूंगा मिस पूनम देवी यहां आए। हाँ आप जा सकते हैं। दीपा excuse me, Honor. Just a minute, please. Thank you, Mona. Thank you very much. Mona, chala. देवी मैं आपसे कुछ जरूरी सवालात करूंगा, आप ध्यान से सुनिए और सोच समझ के जवाब दीजिए। जी। पहला सवाल, दफ्तर के अलावा आपने बॉस मिस्टर दिनेश प्रकाश से कहीं मिली थी? जी नहीं। दफ्तर के अलावा आप अपने पहले बॉस मिस्टर सूद से कहीं मिली थी? मिली थी तो कहां मिली थी, किसी होटल में? मैं कहीं नहीं मिली। मिस्टर सूद के खिलाफ दफ्तर में गुमनाम चिट्ठियां आई थीं कि वो आपसे इधर उधर खास करके होटलों में मिलते थे। मिस्टर सूद ही क्यों, औरों के साथ भी मेरे खिलाफ गुमनाम चिट्ठियां आई थी, लेकिन ये सब गलत अफवाहें हैं। दूसरा सवाल, उस दिन 15 दिसंबर के दिन जो ब्लाउज आपने पहना था उस ब्लाउज में हुक थे या बटन? हुक। हुक खुल कैसे गए? मिस्टर दिनेश प्रकाश से मैं भागने की कोशिश कर रही थी, उन्होंने मुझे कसकर पकड़ा था, झपटा-झपटी में हुक खुल गए। और उसी हालत में कमरे से भाग निकली और प्यून ने भी उसी हालत में देखा और आप मिस्टर धर्मराज के कमरे में भी उसी हालत में गए, इज दैट राइट? जी। झपटा-झपटी में हुक निकल जाने वाली कहानी और कितने बार दोहराएंगी आप? आप कहना क्या चाहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रही हूँ? मैं जानना चाहता हूँ ये ब्लाउज फट जाने वाली गंदी दास्तान और कब तक चलाती रहेंगी आप? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मिस्टर कुमार क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं? मिस्टर कुमार आप कहना क्या चाहते हैं? योर ऑनर मैं पूनम देवी से जो भी कुछ पूछ रहा हूँ उनके जवाब से अभी सब कुछ साफ साफ जाहिर हो जाएगा। पूनम देवी क्या आपके पति मिस्टर अजीत सिंह खुदकुशी के जुर्म में सेंट्रल हॉस्पिटल में थे? उसे इस मामले का क्या संबंध है? संबंध है अभी पता चल जाएगा। खुदकुशी के जुर्म में आपके पति सेंट्रल हॉस्पिटल में थे या नहीं? खुदकुशी नहीं, उन्होंने गलती से नीम की गोलियां ज्यादा खा ली थी। पुलिस में भी आपके पति ने ही बयान दिया था और उन्हें छोड़ दिया गया,
लेकिन पुलिस ने आपको अपने पति को जहर देकर मार डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया था, यह था या नहीं? मेरी समझ में नहीं आता उस वाक्य से इस केस का क्या रिश्ता है। योना, पूनम देवी को चेंबूर पुलिस ने अपने पति मिस्टर अजीत सिंह को जहर देकर मार डालने के जुर्म में गिरफ्तार किया था। बाद में मिस्टर अजीत सिंह ने सारा जुर्म अपने ऊपर ले लिया और पूनम देवी रिहा कर दी गई। योनर, ये रही उस केस की कॉपी। अगर हम मुनासिब समझे तो चेंबूर पुलिस स्टेशन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मंगा सकते हैं। लेकिन इस केस से मौजूदा केस का क्या रिश्ता निकलता है? निकलता है योनर, पूनम देवी का चाल चलन हमेशा से खराब रहा, हमेशा बेकायदा हरकतों से अपना काम हासिल करने की कोशिश करती आई है। तीसरा सवाल, इस वाक्य के ठीक 3 महीने पहले एक खास घटना हुई थी, याद है आपको? जी नहीं। 16 नवंबर 1982 थाना पुलिस स्टेशन में आपने एक शिकायत दर्ज की थी। उसमें आरोप लगाया था कि आपके कंपनी मैनेजर मिस्टर सीटी दीवान ने आपके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। योर ऑनर, वो केस भी कुछ ऐसा ही था। वहां भी दफ्तर के बाद आप कंपनी मैनेजर के रूम में गई और वहां भी ब्लाउज के बटन खुले थे। ये केस भी उसी तरह का है, उसकी जिम्मेदार मैं तो नहीं हूं। जिम्मेदार कौन है इसका फैसला अदालत करेगी। फिर पूनम देवी, आपने मिस्टर सीटी दीवान के खिलाफ केस वापस ले लिया। केस वापस क्यों लिया, ये एक और किस्सा है। योर ऑनर, ये रही थाना पुलिस स्टेशन से केस की कॉपी। चौथा और आखिरी सवाल, इस केस के ठीक 6 महीने पहले आप भारत केमिकल वर्क्स में पैकर का काम करती थी। वहां से आपको बर्खास्त किया गया क्योंकि आपका चाल चलन ठीक नहीं था। चेंबूर पुलिस स्टेशन में आपने वर्क्स मैनेजर के खिलाफ शिकायत की थी, शिकायत बेबुनियाद साबित हुई। रिपोर्ट चेंबूर पुलिस थाने में दर्ज है। योर ऑनर, ये रही रिपोर्ट की कॉपी। दैट्स ऑल योर ऑनर। कमाल कर दिया तूने मुला, ये सब कागजात नहीं लाती तो पता नहीं क्या होता। डॉक्टर शर्मा से इतनी मदद मिलेगी मुझे उम्मीद नहीं थी। मेरे साथ खुद भागदौड़ करते रहे। हम दोनों ने ये कागजात इकट्ठे किए हैं। अच्छा, कौन है ये डॉक्टर शर्मा? ज्योतिषी भी है, मेरी और दिनेश की कुंडली भी बनाई है। अच्छा, सारी दलीलें सुनने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मिस्टर दिनेश प्रकाश पर कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, वो बिल्कुल बेकसूर हैं, लिहाजा अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है। अरे मुबारक हो दिनेश, चलो मेरी जान। ये तुम्हारी मेहनत का नतीजा है अशोक कि मुझे बाइज्जत रिहाई मिली है। नहीं दिनेश, थैंक्स तुम्हें अपनी वाइफ को देना चाहिए। मोना ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया, ये सब उसकी मेहनत का फल है। पता नहीं कहां कहां से पूनम के खिलाफ वजनदार दलीलें इकट्ठी की। शाबाश मोना। अच्छी खासी जासूस है हमारी मोना। मैं और मनीषा डॉक्टर शर्मा के पास जा रहे हैं, सुना है अच्छे जोशी हैं। आज रात हमारे यहाँ आना, खाना वही खाना। क्यों दीपा, आज तुम्हारी शादी की सालगिरह भी तो है। जरूर आएंगे, लेकिन दिनेश उस रात की तरह देर मत कर देना। नहीं करूंगा, मैं भी सोच रहा हूँ एक बार फैक्ट्री हुआ हूँ, शायद वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बाय बाय। आज फिर तारीख पड़ी, इस चीज से क्या होगा? देखा कैसी खड़ी हुई है, बेशरम। सोचा होगा मर्दों को फंसा कर अपनी नौकरी पक्की कर लेगी। मेरे ख्याल से इसके खिलाफ केस करना चाहिए ताकि अच्छा सबक मिले इससे। इसकी वजह से ये 4 महीने कितनी परेशानी उठानी पड़ी थी। नाराज हो मुझसे? मैं तो फिर इतने उदास क्यों हूँ?
मुझे माफ करना दिनेश, मैंने तुम्हें गलत समझा। इस अग्नि परीक्षा के बाद मैं अपने आप को तुम्हारे लायक नहीं समझती। तुम कितने महान हो और मैं सुनिए, मैं आप ही का इंतजार कर रही हूं। ए, क्या बात है, तबीयत खराब हो गई क्या? तो जरूर कुछ हुआ है, मुझसे छुपा रहे हो। इतने झमेलों के बाद तबीयत खराब तो होगी ही। मैं ओडिकलोन लाती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। आज मुना खुश है, समझती है मैं निर्दोष हूँ। लेकिन मुना को असलियत का पता चल गया तो एक दुर्बल क्षण में मुझसे जो गलती हो गई, उस सच्चाई को अगर मुना जान जाए तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। पूनम ने आज जो मुझसे कहा, आप बाइज्जत रिहा कर दिए गए और एक बार फिर लोगों की नजरों में मैं बदनाम हो गई। नौकरी के लिए हर बार बदनाम होती आ रही हूँ, क्या करूं? भगवान ने कुछ जिस्म ही ऐसा दिया। जहां जाती हूँ मर्दों के हवस का शिकार बनती हूँ। उस दिन मेरे और आपके बीच क्या हुआ वो मैं जानती हूँ, भगवान जानता है और आप भी जानते हैं। दिनेश, तुम्हें मालूम है तुमने क्या किया था। आज दुनिया की नजरों में शायद तुम निर्दोष हो, लेकिन हकीकत क्या है वो क्या छुपी रहेगी? गलती तुमसे हुई थी जिसकी सजा तुम्हें आज ना सही लेकिन कभी तो मिलेगी। आपने पूरी कोशिश की मुझ पर काबू पाने की, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ आज तक कोई मुझसे मनमानी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मेरा शोहर भी, और ना कभी कोई कर पाएगा। धर्मराज अंकल मेरे साथ ही है, उसे कुछ भी छिपा नहीं। मैं यहाँ आपका इंतजार कर रही थी सिर्फ ये बताने के लिए कि कोर्ट में जो मेरे खिलाफ बातें हुई उनकी असलियत क्या है। मेरे मर्द ने शराब के नशे में आकर मुझसे बदला लेने के लिए खुदकुशी करने की कोशिश की और इल्जाम मुझ पर लगाया, फिर पछताया और जुर्म कबूल कर लिया। नौकरी की दोनों जगह पर आप जैसे चीफ मेरी इज्जत लूटना चाहते थे, मैं राजी नहीं हुई इसलिए मुझे निकाल दिया गया। मुझे मालूम है यहां से भी मेरी नौकरी चली जाएगी। मैं अब तक हारती आई हूं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा जब मैं हारूंगी नहीं। आप जैसों को सजा मिलेगी, इसी दिन के इंतजार में मैं हूं। भगवान करे वो दिन जल्द आ जाए और आप जैसे शरीफ लोग बेनकाब हो जाए, इज्जत और दौलत की चादर से ढकी गंदगी बाहर आ जाए, आपको चैन न मिले, आप बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। दिनेश प्रकाश, तुम्हारे कहने के मुताबिक आज तुमसे ना मैं आप कह रहा हूं ना सर कह रहा हूं, नाम लेकर ही बात कर रहा हूं। तुम अब इस कंपनी में ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, ये मेरा दावा है। पूनम के साथ जो नाइंसाफी की गई है समझ लो ये उसी का एक भुगतान है, समझ लो ये उसी का एक भुगतान है। ये लो। आओ बैठो। अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ मना, थोड़ा थक गया हूँ, मुझे आराम करने दो। तो ठीक है, लेट जाओ। ये तो नारी यहाँ तेरे लिए है, तुझे जिपते मुझे रामीत है। ये तो नारी यहाँ तेरे लिए है, तुझे जिपते मुझे रामीत है। मेरे भी उसमें